चांद पे बहुत कुछ ज्यादा होता नहीं है ख्वाब देखने के लिए। ख्वाब उन चीजों के देखते हैं जो आपने पहले कभी देखी हो कहीं। इलाके में ऐसे लोग भी नहीं होते। आप इलाके में देखते हैं जो मर्द हजरात हैं वो मजदूरी के लिए सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, रात को जाते हैं, सुबह आते हैं। और कच्ची आबादी है, ख्वातीन जो हैं वो घरों में काम करती हैं, शहरों से सिलाई के कपड़े ले आती हैं, वो सिलाई करती हैं। आपके वालिद साहब के लिए सबसे खुशी का दिन कौन सा था? मैंने अपने वालिद की आंखों में जो सबसे ज़्यादा खुशी और चमक देखी वो उस दिन देखी जब मैं घर गया और उन्होंने मुझे बताया कि जिस फैक्ट्री में वो पिछले 35 साल से मजदूरी कर रहे हैं उस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उन्होंने उन्हें बताया कि वो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ उस यूनिवर्सिटी में उनकी बेटी का भी दाखिला हुआ है। तो मेरे वालिद के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी कि वो कभी इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बैच में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सुपर एलीट स्कूल्स के बच्चे थे। कराची ग्रामर स्कूल, निक्सर, लाइसियम, एचएसएन, रूट्स, इस्लामाबाद, और उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बात करते थे, मदद करते थे एकेडमिकली, सोशली एडजस्ट होने में मदद करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बात नहीं करते थे, वो हमें एक दूसरी दुनिया का बासी समझते थे। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि दिस इज़ हाउ TCF हैज़ रिमूव्ड द बैरियर ऑफ क्लास एंड प्रिविलेज फ्रॉम माय लाइफ। एक फैक्ट्री जहाँ पे मेरे वालिद साहब पिछले 35 साल से मजदूर थे और उसी फैक्ट्री के जो मालिक थे उनकी बेटी और मैं एक ही इदारे में, एक ही क्लासरूम में, एक ही उस्ताद से सेम कोर्स पढ़ रहे थे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और TCF ADP को हेल्प करना चाहते हैं वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं आपको? ऐसे बच्चे को जो शायद यूनिवर्सिटी की दाखिला फीस ही नहीं दे सकता और आपके 5,000 की कॉन्ट्रीब्यूशन से वो यूनिवर्सिटी के टेस्ट की फ़ीस दे सके और फिर किसी और साहब के कॉन्ट्रीब्यूशन से वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, तो इट वुड नॉट जस्ट चेंज वन लाइफ और वन फैमिलीज लाइफ बट द लाइफ ऑफ दैट एंटायर स्लम। उस पूरी कच्ची आबादी में अगर एक बच्चा भी किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में चला गया तो आप यकीन मानिए वो उस इलाके के दीगर बहुत सारे बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाने में मदद कर सकेगा।